मैं मुकेश धनेजा फ्रॉम कल्याण कल्याण रहता हूँ। मेरा एज 62 इयर्स है। 2019 में मुझे पेट में काफ़ी दर्द महसूस हुआ। फैमिली फिजिशियन ने डायग्नोस किया तो उसमें एक गॉल ब्लैडर में स्टोन का डायग्नोस हुआ, तो उसने मेरे को एडवाइस किया ये सर्जरी के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से वो सर्जरी डिले हो गया, उस वक्त हो नहीं पाया। ये 2 साल चलता रहा, वापस घर बार बार पेन पेट में आता रहा, और अभी आखिर में फैमिली फिजिशियन ने मेरे को रिकमेंड किया तो मैं यहाँ जुपिटर में पिंकी थापर मैम से अपॉइंटमेंट लेके मिला, तो उनके एडवाइस पे बाकी सारे डॉक्टर्स के पैनल जो है उसमें कुलकर्णी सर थे और प्रशांत सर थे, तैयार किया मुझे सर्जरी के लिए, और मेरा सर्जरी सिर्फ एक ही दिन में कामयाब हो गया और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर्जरी होने के बाद अब मैं एकदम खुशहाल घर जा रहा हूँ। सो एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि उनको एक दिन में द सेम डे सर्जरी जिस दिन हुआ उस दिन ही उनको वॉक कराया गया, ही वॉज ऑल वेल। एंड एंटायर टीम ऑफ डॉक्टर पिंकी थापर, रियली थैंक यू। पिंकी थापर मैम, प्रशांत सालवी सर, डॉक्टर तरंग कुलकर्णी, सबका एफर्ट्स की वजह से आज पापा एकदम ठीक है, और थैंक्स टू देम एंड थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी दैट ही हैज हेल्प्ड अस टू गेट आउट ऑफ दिस डेंजर विदाउट एनी डिफिकल्टीज। सो ये भी आप बिलीव करना पड़ेगा कि ICU तक में तक नहीं रखा था इनको, आफ्टर सर्जरी सीधा वार्ड में शिफ्ट किया गया। सो दैट वॉज रियली अ गुड पॉइंट। सो लंग फंक्शनिंग 67%, सब रिस्क होने के बावजूद भी सर्जरी काफ़ी अच्छे से हो गया एंड विद इन नो टाइम लाइक वी आर गेटिंग डिस्चार्ज। 2-3 दिन के अंदर हमको डिस्चार्ज मिल रहा है यहाँ से। सो थैंक्स टू जुपिटर हॉस्पिटल, फैसिलिटीज वाइज एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग। फूड, द सर्विसेज, द नर्स, एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।